हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ ने आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव विकास ठाकुर ने कहा कि चिकित्सकों की अग्रिम भर्ती के समय सरकार ने एनपीए बहाल करने का आश्वासन दिया था, लेकिन हाल ही में विशेषज्ञों चिकित्सकों की नियुक्ति के समय इसे वेतन से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि 3 अगस्त 2023 को जारी अधिसूचना के तहत विशेषज्ञों का वेतन 33,660 रुपए कर दिया गया, जबकि 27 जुलाई 2022 को विशेषज्ञों का वेतन 40,392 था। उन्होंने कहा कि राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों का पहले से ही अभाव है और ऐसे में विशेषज्ञ डॉक्टर बाहरी राज्यों की ओर रुख करेंगे। आज हमारी हिमाचल मेडिकल ऑफिस एसोसिएशन की जो यहाँ नूरपुर इकाई है इसके साथ हमारी बैठक हुई है जो नूरपुर जोन है, तो इसमें हमारे जो अभी स्टेट में जो मुद्दे चल रहे हैं, जो हम काले बिल्ले लगा रहे हैं, इनके बारे में रोज जो प्रकट कर रहे हैं, उन मांगों के संदर्भ में गहन वार्ता हुई। तो हम यह बताना चाहते हैं कि हमारे चिकित्सकों के जो प्रमोशंस के पद हैं वो बहुत कम है, ठीक है। इस संदर्भ में जो सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज है उन्होंने जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको डायनेमिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम दी, जिसे देश के विभिन्न राज्यों जैसे बिहार एमपी में भी लागू कर दिया गया है, उसे हिमाचल में भी लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारा जो एनपीए है, जिन जिन राज्यों में एनपीए की कटौती की गई है वहां जो है हमारा स्वास्थ्य सुविधा का जो स्तर है वो गिर गया है, ठीक है। लोगों को घंटों लाइनों में वेट करना पड़ता है, ठीक है। ऑपरेशन के लिए उनको डेट पे डेट दी जाती है, इस संदर्भ में उन्हें निजी क्लिनिकों में अपना इलाज कराने पे मजबूर होना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हिमाचल की जो जनता है उसके साथ ऐसा ना हो, डॉक्टरों को पहले की तरह ही एनपीए उनका जारी रखा जाना चाहिए। सरकार से यही मांग है कि जो चिकित्सकों को एनपीए दिया जाता है उससे मरीजों का ही हित है और मरीजों के लिए ही ये मतलब दिया जाता है, ताकि जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वहां पे जो सुविधाएं उनको बहुत अच्छे ढंग से मिल पाए। तो हम ये चाहते हैं कि उनका जो इलाज है सरकारी हॉस्पिटलों में पहले की तरह बेहतर जो मिल रहा था वैसा ही कंटिन्यू रहे। ये तभी पॉसिबल है जब चिकित्सकों को एनपीए दिया जाए। हमारे जो चिकित्सक हैं उनके प्रमोशंस के पद बहुत कम है, ठीक है। तो इसलिए उनको प्रमोशंस के लिए हमें 25 से 30 साल इंतजार करना पड़ता है। इस संदर्भ में उन्हें 4-14 जो है प्रोग्रेशन स्कीम दी जाती थी तो उसको हटा दिया गया है। तो हमारा ये सरकार से आग्रह है कि इसे पुनः चालू कर दिया जाए। उन्नति में यही है कि पिछले 1.5 साल से जो हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी है उनकी प्रमोशन ही नहीं हुई है, और आज की डेट में हिमाचल का ये हाल है कि हमारे 50% से ज्यादा जो बीएमओज की पोस्ट है वो खाली चल रही है। इस संदर्भ में जो उनकी सुविधाएं जनता को मिलनी थी जनता उनसे वंचित रह रही है। और इसके बाद हमारी एक और इम्पोर्टेंट मांग ये है कि हमारे जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं वो एमबीबीएस ही होने चाहिए। अब हमारे से कम क्वालिफिकेशंस के अगर हमारे ऊपर ऑफिसर बिठा दिए जाए ये कोई मतलब न्याय संगत नहीं है। तो हमारा जो चार्ज है प्रोजेक्ट डायरेक्टर एड्स कंट्रोल सोसाइटी का, उसे हम वापिस हमारे जो है डायरेक्टर साहब को लौटाया जाए, और कई जगह पे जो हमारे एमबीबीएस के बजाय बीडीएस या आयुर्वेदिक प्रोग्राम अधिकारी रख लिए गए हैं वहां हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स ही प्रोग्राम ऑफिसर हो। अब क्राइटेरिया है कि जिन्होंने एमपीएच करके बीडीएस रख दिए गए हैं, जब हमारी चिकित्सकों की एमपीएच रखी रोक दी गई हुई है और ये बोल के औरों को वहां रखा जा रहा है तो ये भी न्याय संगत नहीं है। भाग में जो प्रमोशन नहीं हो रही है इस संदर्भ में जो है हमारे कई मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को एक्सटेंशन दे दी गई है। आज युवा रोजगार के लिए तरस रहा है और ऐसे में एक्सटेंशन देना भी एक न्याय संगत नहीं है। इससे किसी जिसकी प्रमोशन होनी है उस व्यक्ति का भी जो प्रमोशन का पदोन्नति का हक है उसे भी छीन लेना कोई न्याय संगत बात नहीं। सर, जब विसंगति आ कैसे क्यों रही है? सर, विसंगति इसलिए आ रही है कि विभाग 2016 से अब तक चिकित्सकों की सीनियोरिटी लिस्ट ही नहीं बना पाया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा कर दी है कि कोई भी सीनियोरिटी लिस्ट जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से बनाई जाए, लेकिन अब तक विभाग जो है सीनियोरिटी लिस्ट बना नहीं पा रहा है। उसके बाद हमारे खंड चिकित्सा अधिकारियों की एसीआरएं मंगवाई जा रही हैं, उसमें
अपनी प्रमोशन का इंतजार करते हुए कई जो है चिकित्सक स्वर्ग भी सिधार गए, फिर भी उनकी एसीआर मांगी जा रही है। उसके बाद कई चिकित्सकों ने लिख दिया है कि अब हमें थक गए, अब हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, उनकी भी एसीआर मांगी जा रही है। उसके बाद कई जो है दुखी होकर जिन्होंने जॉब छोड़ दी है उनकी भी एसीआर विभाग आज तक टटोल रहा है। उसके बाद जो हमारे विभाग से जो है शिक्षा विभाग में चले गए हैं, जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन में चले गए हैं, उनकी भी विभाग एसीआर ढूंढ रहा है। तो ऐसे में पदोन्नति नहीं हो रही है, 1.5 साल में कोई पदोन्नति नहीं हुई खंड चिकित्सा अधिकारी की, तो ये बहुत ही मतलब